प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा विच कुताही का मामला जिस विच सुप्रीम कोर्ट विच दायर पटिशन ते आज सुनवाई होगी। दस दिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा विच जो वड्डी चूक सामने आई है इस मामले हुण जिहड़ा कोर्ट विच पहुंचा सुप्रीम कोर्ट विच पटिशन दायर की गई है ते अज इस पाई गई पटिशन ते सुनवाई होगी। दस दिए कि सीनियर वकील मनिंदर सिंह ने यह पटिशन दाखिल की है। पटिशनकर्ता की मांग है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा विच खामिया की जांच हो भविख च अजिहा ना हो उसू भी यकीनी बनाया जाए। इस लैके यह पटिशन पाई गई है। दस दी कि फिरोजपुर रैली जाते वेले प्रधानमंत्री की सुरक्षा के सन लगी सी जिसनों लैके मामला लगातार गरमाया होया जिथे कि यह पटिशन जड़ी है पाई गई है। हरप्रीत बंदेशा साडे नाल जुड़ चुके ने। हरप्रीत मामला है लगातार जड़ा है गरमांदा जा रहा है क्योंकि खासा गंभीर मामला है प्रधानमंत्री की सुरक्षा के नाल जुड़िया है मामला लेकिन हुण मामला है कोर्ट पहुंचा है पटिशन जड़ी है पाई गई उससे सुनवाई होनी है की कुछ इस नूं लेके अपडेट है। देखो जिस तरीके दे नाल ये मामला होया इस नूं लेके हुण सुप्रीम कोर्ट से मामला पहुंचा है सुरक्षा की चूक लई जिम्मेदार कौन है इससे कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसे नूं लेके अज 10:30 बजे मनाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट दे सुनवाई होगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वर्चुअल मोड च काम कर रहा है तो वर्चुअल तौर पर सुनवाई होनी है। जनहित याचिका एक मनिंदर सिंह वकील ने उन्होंने वालों पाई गई तो इसके निश्चित तौर पर कहा गया कि जे जो लोग इस मामले के जिम्मेदार ने उन्होंने कड़ी कार्रवाई की है। चीफ जस्टिस के सामने मामला रखा गया तो कहा गया कि जिन्हें इस मामले से ढिल वरती है उन्होंने कड़ी कार्रवाई की जाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रमन्ना इस अलावा जस्टिस सूर्यकांत हिमा कोहली की बेंच इस मामले से सुनवाई करेगी तो मनिया जा रहा है कि इस मामले के उत्ते एक मांग की जी जा रही है कि निर्देश दिते जाण कि जिन्हें भी इससे गंभीर एक जी वड्डा एक जिहड़ा लैब से सिक्योरिटी विच उसके उत्ते जो लोग ने कौन जिम्मेदार ने उसते जिहड़ा मामला दर्ज करके तो उन्होंने कार्रवाई की जाए। जो कल मनिंदर सिंह पूछा गया कि वो की चाहते हैं तो उन्होंने कहना कि बठिंडा के जिला जज में यह ऑर्डर दिते जाण कि जिन्हें भी उत्ते सबूत ने उन्होंने सारे वो सुरक्षित कर इस अलावा जो कंसर्न अफसर ने उन्होंने उत्ते इसकी जांच की जाए तो उन्होंने उत्ते कार्रवाई की जाए। हम देखना होगा कि 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट इस मामले से सुनवाई कर जा रहा है तो की रुख अख्तियार करता है। दूसरे पास केंद्र सरकार भी इससे सख्त नजर आ रही है। कल केंद्र सरकार वालों इससे MHA की एक बकायदा कमेटी भी बना दी गई 3 मैंबरी जो कि रिपोर्ट अपनी सौंपेगी तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा मामला जोड़ा वो लगातार पकता जा रहा है। सरकार वालों यही कह दें कि पंजाब सरकार अपना जवाब दे रही है पंजाब सरकार अपनी दलील रख रही है उसे ही जो आम लोगों का गुस्सा है उसे ही एक जो सब तो वाला जो लैब से वो ये कि प्रधानमंत्री सिक्योरिटी चक्र एडा वाला लैब बिल्कुल एक एडा वड्डा लैप्स होया एक वड्डी वड्डी चूक है लेकिन सूबे दे जिहड़े मुख्यमंत्री ने चन्नी उन्हां दा भी एक अजीब बयान आया कि एक छोटी जी एक गल सी लेकिन इस नूं बहुत वड्डा रूप दिता जा रहा है शायद वह इसकी गंभीरता नहीं समझ रहे कि एक देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का यह मामला है छोटी जी भी जिहड़ी चूक या लापरवाही एक वड्डी जिहड़ी है घटना नूं अंजाम दे सकदी है। बहरहाल इस नूं लैके विरोधी भी जिहड़े ने लगातार यह कह रहे हैं कि राजनीति अपनी जगह है लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने सब के प्रधानमंत्री ने अजे विचकार यह मामला हले कितने ठंडा होंदा नजर नहीं आता। हरप्रीत देखो प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं प्रधानमंत्री किसी दल का नहीं प्रधानमंत्री सारे देश का हर किसी का प्रधानमंत्री तो इस गल को मुख्यमंत्री साहब भी कह रहे हैं कि साढ़े भी प्रधानमंत्री ने जो आते तो कुछ दे के जाते लेकिन सवाल सब तो वाला है कि जेकर प्रधानमंत्री साहब उत्थे गए सन तो उस टाइम DGP किसे सन उस टाइम CS किसे सन वो की कर रहे सन ये बड़े वे सवाल ने क्योंकि जो भी स्टेट ऑफ हेड किए जाते हैं तो उस दौरान ये जो सीनियर अफसर होंगे ने प्रशासनिक तौर पर ये लोग अक्सर मौजूद रहते हैं ये लोग अक्सर उन्होंने जगह से रेंदे ने खुद तो आखिर वो किसे सन। दूसरी अहम चीज जेकर रूट उत्थे मन भी लिया जाए कि ब्लॉकेट से अल्टरनेटिव रूट क्यों नहीं सी जे अल्टरनेटिव रूट से भी कोई समस्या से तो वह अल्टरनेट क्यों नहीं कढ़िया गया फोर्सेस जिहड़ियां ने जे लगाइया गई तो लोगों को क्यों नहीं हटा सके इहो जे बहुत सारे सवाल ने जिन्हों का जवाब देना बनता भी है तो जवाब देना भी सरकार को जरूर चाहिए। जाहिर तौर पर पंजाब सरकार भी इस मामले से कोशिश करेगी कि वो अपना पक्ष रखे राजनीतिक तौर पर भी इस मामले में जोड़िया जा रहा है कि उसे कुर्सियां खाली सन इस करके बहाना बनाया जा रहा है काफले रुकना पिया इस गल तो कोई भी इनकारी नहीं हो सकता। जी बिल्कुल जाहिर तौर पर जेकर प्रधानमंत्री का काफला खुले 20 मिनट तक इस तरीके रुकिया रहे ब्लॉकेट रहन गड्डिया टर्न लैन तो वो बड़ा एक बड़ा सवाल है। कल भी जो साडे सहयोगी MPS गल कर रहे सन तो उदों एक सुरक्षा माहिर ने इतों तक किया कि जेकर उस पुल के उत्ते ID हुंदा कुछ खतरनाक हादसा हो जाता तो कौन जिम्मेदार हुंदा। दूसरी चीज लगातार पंजाब को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है लगातार सूबे पार को जिस तरीके की हरकत हो रही जिस तरीके टिफिन बंब आ रहे हैं ड्रोन चीजा आ रही ने उन्होंने इनकार नहीं किया जा
किया जा सकता। काफी सेंसिटिव स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है, प्रधानमंत्री खुद बॉर्डर के बहुत नजदीक सन, तो इन्हों हालातों के यहोजे चीजा हो जाएंगी जाहिर तौर पर किसी ना किसी की जिम्मेदारी जरूर बनती है, किसी को अपनी जिम्मेदारी लेनी भी पेगी, सरकार को उसकी जिम्मेदारी तय करनी भी चाहिए। हम देखा कि सुप्रीम कोर्ट आज 10:30 बजे इस मामले पर सुनवाई कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट इससे की रुख अख्तियार कर रहा है। जी हरप्रीत शुक्रिया फिलहाल की सारी जानकारी। सो मामला जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, पटिशन पाई गई है सीनियर वकील वालों, अज उस लैके सुनवाई होगी, देखना होगा कि कोर्ट का रुख इस मामले में रहता है।